कानपुर क्राइम ब्रांच की टीम ने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर युवतियों को ठगी का शिकार बनाने वाला नाइजीरियन युवक ओकू वर्मा मोसिस को धर दबोचा है। नाइजीरियन फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए पहले युवतियों से दोस्ती करता, इसके बाद उनसे व्हाट्सएप नंबर लेके चैटिंग करना शुरू कर देता, फिर महंगे गिफ्ट भेजने और उस गिफ्ट पर कस्टम ड्यूटी के नाम पर अपने अकाउंट में रुपये डलवा लेता था। अब तक हुई जांच में नाइजीरियन ठग द्वारा करीब 70 से 80 लाख रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। नवाबगंज थाने में नाइजीरियन युवक से ठगी गई एक युवती ने 24 जुलाई को मुकदमा दर्ज कराया था। क्राइम ब्रांच की टीम ने नाइजीरियन युवक को दिल्ली के महावीर नगर से गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से 2 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप, 1 पासपोर्ट और 1 इनकम टैक्स का आईडी कार्ड भी बरामद हुआ है। ओकू वर्मा मोसिस ही इंस्टाग्राम पर केविन हेरिसन नाम से युवतियों को अपने जाल में फंसाता था। अब तक हुई पूछताछ में अभियुक्त ने करीब 40 लोगों को अपने जाल में फंसाकर करीब 70 से 80 लाख रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।